बक्सर के रामरेखा घाट रोड में एक बार फिर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चला। इस बार भी अतिक्रमणकारियों को न सिर्फ चेतावनी दी गई बल्कि जिन लोगों ने बार बार समझाने के बावजूद अतिक्रमण कर रखा था उनके सामान भी जब्त किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर की सड़कों को जाम कर अतिक्रमणकारी स्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसे लोगों को बार बार समझाया जाता है लेकिन फिर भी उनके द्वारा अपना अतिक्रमण हटाया नहीं जाता। ऐसे में यह कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लोग लगातार अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं। जो जो शहर के मुख्य सड़क हैं और उसमें जो नाले पर अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़क पर सामान लगा रहे हैं, अपना दुकान को छोड़कर आगे बढ़कर, तो उसको हम लोग जब्ती कर रहे हैं और फाइन्स भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। अतिक्रमण पहले हम लोग प्राथमिकता के आधार पर शहर के जो मुख्य रोड है, जहां आवागमन ज़्यादा रहती है, जहां पर कॉमर्शियल एरियाज हैं, उसको हम लोग फोकस करेंगे। स्टेशन, बस स्टैंड और जो भी मुख्य सड़कें हमारे हैं, प्राथमिकता के आधार पर पहले हम लोग इनको फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। सर, जैसे ये कहा जाता है कि नाला जो है वो बाउंड्री लाइन है, उसके आगे नहीं आना है। हाँ, तो अतिक्रमण के लिए यही मानते हैं आप? हाँ, नाला और सड़क को छोड़कर अपना पीछे अपना दुकान लगाए लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नगर परिषद की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप कायम है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।